हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी का कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ऑप्शन के बेसिस पे, और स्टॉक स्पेसिफिक जानेंगे कि बहुत सारे स्टॉक ओवरबॉट जोन में चले गए हैं, बहुत सारे स्टॉकों में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, कहाँ पे सपोर्ट है नीचे, या ऊपर से नीचे गिरेंगे तो कितना गिर सकते हैं, नीचे से कि कौन से लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आ सकता है, उसकी कंप्लीट एनालिसिस करने की मैं कोशिश करूंगा। ये वीडियो लंबा हो सकता है, फिर भी आप इसको पूरा देखने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे कोई भी सलाह नहीं दिया जा रहा है, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से है। तो सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस हम करेंगे। निफ्टी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉल ऑप्शन देखेंगे 10,500 में। एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट जो है, सबसे सेकेंड लार्जेस्ट ओपन इंटरेस्ट ऐड है। मीन्स कि 11,000 का कॉल में तो राइटिंग हुआ ही है, साथ में 10,500 का जो कॉल है उसमें भी ह्यूज राइटिंग हुआ है। आप देखेंगे लगभग 12 लाख ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है एक दिन में। मीन्स कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे का था उसमें 12 लाख ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। उसके बाद 6 लाख ओपन इंटरेस्ट 10,000 के पुट में ऐड हुआ है। मीन्स कि 10,500 और 10,000 का पुट ऑप्शन, 10,500 का कॉल ऑप्शन में राइटिंग देखी गई है और 10,000 के पुट में राइटिंग देखी गई है। मीन्स कि 10,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट। ये 2 जुलाई की एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं। मंथली एक्सपायरी का एनालिसिस मैंने लास्ट वीक में किया था, उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। मीन्स ये हफ्ता 10,500 ऊपर की तरफ और नीचे 10,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। सेकेंड जो है 10,300, 10,300 जो है ये, इसमें भी इसमें कोई खास राइटिंग नहीं है, लेकिन सेकेंड सेकेंड लार्जेस्ट राइटिंग इसमें भी देखा गया है, लेकिन 119 रुपीज। अब ये ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, 152 के आसपास का ब्रेकआउट लेवल है। ये जैसे ही 140 के ऊपर चलेगा इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा। मीन्स कि 10,000 में ह्यूज राइटिंग होना, इसका मतलब 10,000 पे तो सपोर्ट है, लेकिन 10,300 और 10,400 मेक एंड ब्रेक लेवल है। मीन्स कि 10,400 का जो कॉल ऑप्शन है इसमें भी राइटिंग देखी गई है, क्योंकि ये 110 रुपये के ऊपर जाना इसके लिए मुमकिन नहीं है। 110 रुपये के ऊपर जाने का मतलब ये है कि कॉल में 10,300 के पुट में राइटिंग मान लिया जाएगा, लेकिन 10,000 के कॉल में, 10,400 के कॉल में, 10,500 के कॉल में राइटिंग अगर है तो 10,300 का जो पुट है 119 रुपीज का, ये 152 रुपीज के ऊपर, और 152 से पहले ही 140-145 रुपये के ऊपर ये ब्रेकआउट कर जाएगा। एक बार 140-145 जाता है, दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा कभी भी ब्रेकआउट लेवल के आसपास जाने के बाद एक नीचे डाउन साइड आता है और फिर से दोबारा अटेम्प्ट करता है। जब दोबारा अटेम्प्ट करता है तो एक तरीके से एक तेजी आ जाती है। मीन्स की पुट ऑप्शन में, 10,300 के पुट ऑप्शन में तेजी अगर देखी जाएगी तो ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग तेज हो सकता है। तो 10,300 के पुट को ध्यान लगा के देखना है और 10,400 के कॉल ऑप्शन को 110 रुपये के ऊपर जाते हुए दिखता है उस केस में फिर हम पुट को बाइंग अपॉर्चुनिटी से अवॉइड करेंगे। मिलती फिर से हम बाउंस देखेंगे, फिर से हम तेजी देखेंगे। तो निफ्टी का ऑप्शन ये दर्शा रहा है कि 2 जुलाई वाला ऑप्शन 10,500 में राइटिंग और 10,000 के पुट में राइटिंग, 10,500 के कॉल में राइटिंग, 10,300 का कॉल पुट और 10,400 का कॉल, ये दोनों डिसाइड करेंगे किस दिशा में जाने वाला है, चांसेस किधर है, ये लेवल पे छोड़ देते हैं। तो ये रहा हमारा निफ्टी का ऑप्शन के बेसिस पे एनालिसिस। अब हम आकर के देखते हैं स्टॉकों का क्या बोलना है, निफ्टी किस दिशा में जाएगा। तो निफ्टी 50 के स्टॉकों में आप देखेंगे ये सारे स्टॉक हमने RSI ओवरबॉट के हिसाब से शॉर्टिंग कर रखा है। मीन्स कि शॉर्ट ऑर्डर में है, और उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे लोअर लेवल पे 50 RSI है। मीन्स कि सन फार्मा, भारती एयरटेल, HDFC, ICICI बैंक, नेस्ले, सिप्ला, ये सारे स्टॉक ऐसे लेवल पे खड़े हैं जहाँ पे मेक एंड ब्रेक हो सकते हैं। मीन्स कि ओवरबॉट से नीचे खड़े हैं,
मिड पॉइंट पे खड़े हैं। 50 का RSI होना ये दर्शाता है कि इनमें एक तेजी भी आ सकती है। अब वो तेजी कैसे आप डिसाइड करेंगे, लाइक आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक में क्या है कि 50% कम वॉल्यूम के साथ में गिरावट हुआ है, मीन्स कि इसमें ट्रेड हुआ ही नहीं है। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो इम्पोर्टेंट ब्रेकडाउन लेवल है, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। तो जैसे ही 339 ये 50 DMA है, यहाँ इस लेवल को जब तक नहीं तोड़ता है तब तक कोई बड़ी मंदी नहीं आने वाली है। तो उसके लिए इंट्राडे का टारगेट भी 339 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं 339 का लेवल पे वॉच करना है। अगर ये टूटेगा तभी हम 330 तक जाते हुए देखेंगे, वरना यहाँ से बाउंस भी आ सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक, HDFC में भी वही कहानी है, मेक एंड ब्रेक लेवल पे खड़ा है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं मेक एंड ब्रेक लेवल पे खड़े हैं, लेकिन जो स्टॉक ओवरबॉट जोन में खड़े हैं उसमें से रिलायंस, आइसर मोटर, हीरो, वेदांता, बजाज फाइनेंस, विप्रो में भी अच्छा खासा तेजी देखी गई है। ब्रिटानिया भी ओवरबॉट जोन में खड़ा है और ये बेयरिश क्रॉसओवर की तैयारी कर रहा है, और बेयरिश क्रॉसओवर जो है इस स्टॉक को डाउनसाइड जो लेके जा सकता है 3200 की तरफ लेके जा सकता है। उसके लिए 3384 का लेवल इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और ऊपर जो है 3528। तो ब्रिटानिया में आप देख भी रहे हैं कि इंट्राडे जो तेजी देखी गई है 6 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है, लेकिन एवरेज वॉल्यूम और वॉल्यूम दोनों में गिरावट देखा गया है। तो इस स्टॉक में एक 200 रुपये का करेक्शन वाजिब है। 200 का करेक्शन मीन्स की 50 DMA के आसपास एक बार स्टॉक जरूर आने की कोशिश करेगा। एक्चुअली जब तेजी का मार्केट होता है तो मैक्सिमम स्टॉक अगर 50 DMA से ऊपर चल रहा है तेजी के मार्केट में, अगर छोटा सा किसी भी कारणवश टेक्निकली या किसी न्यूज के कारण जब स्टॉक करेक्ट करता है तो 50 DMA पे पहली बार सपोर्ट लेता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि 50 DMA भी टूटेगा 200 DMA के आसपास आएगा, ऐसा नहीं होता है। पहली बार इस स्टॉक ने 50 DMA के ऊपर अच्छा खासा टाइम लिया है ऊपर की तरफ ट्रेड होते हुए। 5%, 3%, 10% अगर तेजी 50 DMA के ऊपर कोई भी स्टॉक ट्रेड कर रहा होता है तो जब गिरता है तो एक बार 50 DMA एक स्ट्रॉन्ग हैडल के रूप में आता है, मीन्स की सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरफ आता है। तो ऊपर है तो हम सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, दोबारा अटेम्प्ट करेगा ऊपर जाने का और फिर 30 उसके बाद फॉल करेगा तो हम इस लेवल को तोड़ सकते हैं। उसी तरीके से अगर रिलायंस का देखें तो रिलायंस का भी लेवल, रिलायंस में क्या है कि मैनिपुलेटेड स्टॉक है तो इसमें 50 DMA जो है 1500 के आसपास है, लेकिन उससे पहले 1660, 1710 ये जो 8 दिन का और ये लेवल है इसके नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता है, या 13 दिन का और 20 दिन का मूविंग एवरेज जो है सबसे पहले इम्पोर्टेंट सपोर्ट फेस करेगा। तो उसके लिए इंट्राडे जो लेवल है 1730 और 1700 रुपये, इंडेक्स को ऊपर नीचे की तरफ ले जाने में रिलायंस का बहुत योगदान है। तो अगर इसको इंडेक्स को नीचे लाना होगा 10,200, 10,165 के आसपास, जैसे कि मैंने कल निफ्टी का एनालिसिस किया था वीकली बेसिस पे, तो उस केस में 1,724 रुपये का जो 20 दिन का मूविंग एवरेज है, इसके लिए 20 दिन का मूविंग एवरेज नियर अबाउट है। अब ब्रिटानिया में 20 दिन का मूविंग एवरेज बिल्कुल 20-30 रुपये नीचे था, लेकिन इसमें 100 रुपये का है तो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो पहले वो 20 दिन के मूविंग एवरेज को सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। उसके लिए वीकली ब्रेकडाउन भी होना जरूरी है। वीकली ब्रेकडाउन जो है 1710 के नीचे की ब्रेकडाउन होगा, अगर इसके नीचे ट्रेड करता है, सस्टेन कर जाता है, इंट्राडे में 1700 के लेवल टूटता है, तो उस केस में ये सबसे पहले 13 दिन का मूविंग एवरेज जो है 1663 रुपये पे सपोर्ट करेगा, उसके बाद इस स्टॉक में ऊपर की तरफ जाना सकता है। तो ये एनालिसिस है स्टॉकों में जो ओवरबॉट हैं उनमें थोड़ा सा करेक्शन हो जाए, और जो स्टॉक 50 RSI जो है निफ्टी 50 के स्टॉकों से ही
निफ्टी का इंडेक्स ऊपर नीचे हो सकता है, और इनमें थोड़ा सा नीचे आकर के दोबारा से ये अटेम्प्ट करेंगे। तो मार्केट में जो भी गिरावट होगा, कहने का मतलब ये है कि रिलायंस 20 डीमार टच करेगा, ब्रिटानिया 50 डीमार टच करेगा, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा, एचडीएफसी, भारती एयरटेल, ये ऑलरेडी बीच में खड़े हैं, तो थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और फिर से ये सारे स्टॉक ऊपर जोर लगाएंगे ऊपर जाने के लिए, तब जाकर के पैटर्न बनेगा एक अच्छा खासा करेक्शन के लिए। तो ओवरऑल स्टॉकों के एनालिसिस से, निफ्टी के ऑप्शन एनालिसिस से ये दिख रहा है कि 10,000 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उससे पहले 10,200 और 10,300। अब 10,300 के पुट ऑप्शन जो है, जैसे हमने देखा कि 10,300 का पुट ऑप्शन 150 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट होने वाला है, तो 150 रुपये का ब्रेकआउट होने वाला है, तो ये रेजिस्टेंस के आसपास जा करके, मीन्स कि 10,000 का पुट ऑप्शन जो है 150 रुपये का, मतलब 150 पॉइंट और कम कर दें, मीन्स कि 10,160, मीन्स कि 10,150 पे आएगा, तब जाकर के पुट का वैल्यू 150 रुपये होगा एक्सपायरी तक। तो इवन एक टाइम वैल्यू के कारण, मीन्स कि हमारे पास 3 दिन का टाइम है, सोम मंगल बुध, इस कारण से ये इसमें ट्रेडिंग होता रहेगा, बार बार 200 रुपये भी जाएगा, 225 भी जाएगा और नीचे भी आएगा, और अल्टीमेटली 10,300 के आसपास एक्सपायरी होते हुए हम निफ्टी को देखेंगे, वीकली एक्सपायरी या ओवरऑल 10,200। अगर 10,200 भी होगा तो 100 रुपये का पुट ऑप्शन 100 रुपये का ही भाव रह जाएगा, या जीरो करने के लिए 10, तो 10,165 जो निफ्टी का मैंने एनालिसिस किया था उसको ध्यान लगा के रखना है कि 10,165 टूटता है कि नहीं टूटता है। और निफ्टी का जो लेवल एनालिसिस है एज फॉर गैन एंगल, वो भी मैं लेवल बताऊंगा, और आज का कैसा रहेगा निफ्टी का इंट्राडे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसकी भी मैं पूरा बात करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और रेगुलर आप देखना चाहते हैं तो इस व्यू को, तो आप हमारे मेंबर्स जोन को ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे लोगों को बोल रहे हैं कि मेरे को वीडियो टाइम पे नहीं मिलता है, तो ये वीडियो उनके लिए है। सबसे पहले अभी 29 जून है, ये 7:35 पर सुबह मॉर्निंग में मैं वीडियो डेवलप कर रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो सबसे पहले जो हमारे मेंबर्स जोन के जोन को सब्सक्राइब कर रखे हैं उन्हीं को ये वीडियो सबसे पहले मिलेगा, और उसके बाद हम ये पब्लिक मार्केट बंद होने के बाद या मार्केट के इन टाइमिंग में पब्लिकली करते हैं, इसलिए आप लोगों को ये वीडियो नहीं मिल रहा होगा। और इसलिए अगर आपको ये व्यू पहले जानना हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेंबर जोन के बटन को भी क्लिक करें, ज्वाइन करें। तो निफ्टी का इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो हम जानेंगे। तो आपको दिख रहा है इसमें भी 13 दिन का मूविंग एवरेज, 8 दिन का मूविंग एवरेज, 8 डेज का मूविंग एवरेज 10,250, और 13 डेज का मूविंग एवरेज 10,130। ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे काम आएगा, और RSI 64 हो चुका है, और ओवरऑल इम्पोर्टेंट इसमें जो लेवल है वो हम देखेंगे आज वीकली बेसिस पे, कि वीकली बेसिस आज पहला ट्रेडिंग सेशन है, तो निफ्टी का जो इस वीक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है इस वीक का, तो इस वीक का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वो है 10,468 के नीचे, जब तक है ये डाउन साइकिल में है, उसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है 10,331 और 10,275 और लास्ट सपोर्ट 10,194। ये लेवल 275 टूटेगा तो 194 आएगा, 194 टूटेगा तो हम 10,109 आएंगे। तो 10,165 का जो लेवल दिया गया है, एक बार इंट्राडे में ये लो लगा करके दोबारा से बाउंस भी आ सकता है। ये पूरे हफ्ते का लेवल एनालिसिस है। आज के लिए हम जो देख रहे हैं आज का मार्केट कैसा रहेगा, तो आज सबसे पहले 10,300 के आसपास अगर बाजार आता है
और वर्स्ट के सिनेरियो में 280 के आसपास आता है तो एक बार बाउंस देखी जाएगी, और ये बाउंस दोबारा से 330 के आसपास लेके जाएगा, 330-350 के आसपास लेके जाएगा। 350 के आसपास जाता है तो फिर से हम सेल साइड पोजीशन लेंगे, जिसका टारगेट जो होगा 10,200 की तरफ भी हो सकता है। 10,200 आने के लिए सबसे पहले 280 पे सपोर्ट लेगा, फिर बाउंस करेगा 350 के आसपास, और फिर से हम फॉल करेंगे, 280 टूटेगा और फिर जा कर के सपोर्ट 230-190 के आसपास ले सकता है, अगर अच्छा खासा गिरावट हुआ तो। फर्स्ट फेज में अगर 300 के लेवल को ही होल्ड करता है तो हम बाउंस करेंगे दोबारा से, जो बाउंस 300 पे सपोर्ट लेता है तो 280 का लेवल टूट गया और बाउंस आता है, उस केस में 350 पार करना मुश्किल हो जाएगा, 350-360, और फिर से हम 350-360 से फॉल करेंगे 200 तक आ सकते हैं। लेकिन 300 के सपोर्ट को होल्ड करके बाउंस आता है, उस केस में मार्केट 360 फिर से जाएगा, 70 भी जा सकता है और 400 भी जा सकता है, 410 के ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। 410 का स्टॉप लॉस लगा करके 360 के आसपास आता है और दोबारा सेल साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगा और फिर हम 200 के आसपास देखेंगे। ओवरऑल कुल मिलाकर के ये कहना है कि गैप डाउन या किसी कारणवश 300 के आसपास आता है तो वहाँ पे सेल नहीं करना है, 350-360 के आसपास जाने का वेट एंड वॉच करना है और फिर हम सेल साइड पोजीशन ले सकते हैं। उस केस में जो आज टाइमिंग है मार्केट का, अब 12 बजे के आसपास ये सारी चीज़ें हो जाएगी, मीन्स कि नीचे से ऊपर आ जाएगा और 11:40 12 बजे के आसपास से हम एक अच्छा खासा फिर से गिरावट देखेंगे, उस गिरावट में हमारे सारे लेवल आने के चांस होंगे नीचे के। तो ये रहा स्टडी एनालिसिस फॉर द निफ्टी एंड स्टॉक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और जो भी मैंने व्यू दिया है ये मेरा एजुकेशनल व्यू है, अगर इस व्यू पर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं और उसमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।